हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ गारंटी। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है और इसके फीचर्स क्या हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी थी। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में थ्री पार्टीज होती हैं। एक होता है श्योरिटी। श्योरिटी वो पर्सन है हु गिव्स गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर। और प्रिंसिपल डेटर कौन है? प्रिंसिपल डेटर इज़ द पर्सन हु टेक्स लोन, एम्प्लॉयमेंट और परचेसेस गुड्स फ्रॉम द क्रेडिटर। थर्ड पार्टी होती है क्रेडिटर टू होम गारंटी इज गिवन बाय द श्योरिटी। जब टाइप्स ऑफ गारंटी की बात करें तो गारंटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन और सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन दो तरह की होती है, एक स्पेसिफिक होती है और सेकंड होती है कंटिन्यूइंग गारंटी। और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एक होती है रिट्रोस्पेक्टिव, एक होती है प्रोस्पेक्टिव। अब ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन दो तरह की गारंटी होती है, स्पेसिफिक गारंटी और कंटिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी वो गारंटी होती है विच इज़ गिवन फॉर ए सिंगल डेट और फॉर ए स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो एक सिंगल डेट की श्योरिटी गारंटी देता है टू दी क्रेडिटर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। और जब ये डेट पे हो जाए तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो स्पेसिफिक गारंटी दी गई है दैट कम्स टू एन एंड। अब जस्ट सपोज ए, बी और सी तीन पर्सन्स हैं। ए और बी दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं, तो सी एक शॉपकीपर है जिससे ए चाहता है कि मैं एक टीवी परचेस करूँ। ए सी के पास एक टीवी परचेज करने के लिए जाता है तो बी कहता है सी को कि आप इसको टीवी दे दो, पेमेंट की टेंशन मत लो आप, कि अगर ए पेमेंट नहीं करेगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं इस टीवी की पेमेंट कर दूँगा। और आफ्टर सम टाइम ए सी को पेमेंट टीवी की कर देता है तो बी की जो गारंटी है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है क्योंकि दैट इज़ गिवन फॉर ए सिंगल डेट दैट इज़ फॉर द प्राइस ऑफ द टीवी। तो इस तरह जो है जो गारंटी होती है दैट इज़ ओनली फॉर ए सिंगल डेट। नेक्स्ट है कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी उस टाइप की गारंटी होती है जिसमें गारंटर सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की गारंटी नहीं देता, वो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस की गारंटी देता है। सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस का क्या मीनिंग हुआ कि लगातार कई जो डील होती है बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर। और कंटिन्यू गारंटी को रिव्योक अगर श्योरिटी करना चाहता है तो वो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए नोटिस दे सकता है टू द क्रेडिटर, एज गारंटर अपनी गारंटी नहीं देगा, लेकिन जो ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी हो चुकी हैं उसके लिए श्योरिटी को गारंटी देनी ही पड़ेगी। वो उसके लिए लेबल होगा, अगर प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं करता तो उसके लिए श्योरिटी विल मेक द पेमेंट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ए, बी और सी। ए और बी दोनों फ्रेंड्स हैं और सी शॉपकीपर है। ए सी के पास जाता है कि मैंने आपके इलाके में नया शोरूम खोला है तो उस शोरूम के लिए मुझे 10 एसी की ज़रूरत है। सी इसको कहता है कि मुझे इसके लिए गारंटी चाहिए। और बी सी के पास जाकर कहता है कि ये जब जब आपके पास एसी लेने आए तो आप इसको एसी दे दो तो गारंटी मेरी, अगर ये पेमेंट नहीं करेगा तो मैं ए के बिहाफ पर पेमेंट कर दूंगा। अब क्या होता है, विद इन 2 मंथ्स ए 5 एसी परचेस कर लेता है और उसके बाद ए और बी की आपस में दोस्ती ख़त्म हो जाती है। बी सी के पास जाता है कि मैंने अब ए की गारंटी नहीं देनी, मैं अपनी गारंटी को रिवोक करता हूँ। वो उसके लिए बी को नोटिस देता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कोई भी गारंटर जो है वो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए तो गारंटी वापस ले सकता है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं उनकी गारंटी वो वापस नहीं ले सकता। अगर उन ट्रांजैक्शंस के लिए प्रिंसिपल डेटर कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो श्योरिटी उसके लिए जिम्मेवार होता है, अगर नहीं करेगा तो वो श्योरिटी पर केस कर सकता है और अपना क्लेम ले सकता है। तो सिर्फ जो 5 एसी हैं, 5 एसी के लिए जो श्योरिटी है उसकी गारंटी है, जो नेक्स्ट 5 एसी जो भी परचेस नहीं हुए उसके लिए जो गारंटी है दैट इज़ रिवोक्ड बाई दी श्योरिटी। तो
इस तरह जो कंटिन्यू गारंटी है वो सिर्फ फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए रिवोक की जा सकती है, जो ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं उन ट्रांजैक्शंस के लिए श्योरिटी जिम्मेवार होता है। अगर प्रिंसिपल डेटर पेमेंट ना करे तो श्योरिटी को उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। पहला है रिट्रोस्पेक्टिव गारंटी। रिट्रोस्पेक्टिव गारंटी तब दी जाती है जबकि प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हो। कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर लोन प्रिंसिपल डेटर ने लिया है तो लोन की एग्जीक्यूशन हो चुकी है। अगर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर ने एम्प्लॉयमेंट दे दी है। अगर कोई सेल की है क्रेडिटर ने कोई चीज़ टू द प्रिंसिपल डेटर तो सेल ऑफ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो चुका है, सेल हो चुकी हो। जब किसी भी तरह की जो है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में डील हो जाए उसके बाद श्योरिटी की एंट्री हो, श्योरिटी गारंटी दे, तो उसको हम कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव गारंटी। प्रोस्पेक्टिव गारंटी वो गारंटी होती है व्हेन द गारंटी इज़ गिवन फॉर फ्यूचर ऑब्लिगेशन और डेट। अगर कोई लोन फ्यूचर में लेना हो या कोई ऑब्लिगेशन फ्यूचर में हैपन होनी हो तब अगर गारंटी दी जाए, एडवांस में गारंटी दी जाए, तो उसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव गारंटी। ए बी और सी तीन पर्संस हैं। बी एक शॉपकीपर है। ए बी के पास जाता है कि मुझे आपसे एक टीवी परचेज करना है ऑन क्रेडिट जिसकी पेमेंट मैं बाद में करूँगा। तो बी ए को कहता है कि मैं ऐसे तो नहीं दूंगा टीवी ऑन क्रेडिट, कोई श्योरिटी लेके आई जो मुझे गारंटी दे। तो ए और सी फ्रेंड्स हैं तो सी बी को ए के बिहाफ पर गारंटी दे देता है। सी बी को जाकर कहता है कि आप ए को टीवी क्रेडिट पर दे दो तो ये गारंटी मेरी है कि मैं इसकी पेमेंट करूंगा अगर प्रिंसिपल डेटर यानी कि ए अगर पेमेंट नहीं करता है। तो ये क्या है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन है। ये ऐसा डेट है जो फ्यूचर में हैपन होएगा, अभी होगा, अभी टीवी सोल्ड नहीं हुआ है। तो इस तरह की जो ऑब्लिगेशन होती है उसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव गारंटी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।